ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूँ। 602 में 2 साल में बंद किया और 300 मदरसा एक साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। आज हम असम में लाख जिहाद का खिलाफ काम कर रहा हूँ। आपने जरूर एक बार केरला स्टोरी देखी। पंडित संजय जी ने केरला स्टोरी का बारे में भी जिक्र किया। मैं दो बात बोलना चाहता हूँ। आपने जरूर एक बार केरला स्टोरी देखी। केरला स्टोरी देखना जरूरत है। कैसे आज हमारा हिंदू का बच्चियों को कैसे टेररिस्ट बनाने का सरजन चल रहा है, ये केरला स्टोरी ने एक्सपोज किया। जब केरला स्टोरी सिनेमा हमारे हॉल में आया, हमारा सेकुलर लोग बोलने लगा कि ये झूठ है, झूठ है। अरे सेकुलर भाई और बहनों, आप असम में आओ, मैं हजारों लड़की हजारी बच्ची को नाम बोलूंगा जो लाभ जिहाद का शिकार बन चुका है। आज हम असम में लाभ जिहाद का खिलाफ काम कर रहा हूँ। असम में हम मदरसा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मदरसा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओवैसी जी जाके बोला कि आपने मदरसा बंद किया, हम आपको देख लेगा। मैंने ओवैसी को बोला आप क्या देख लेगा, उसको आपका घर में बुलाइए, मैं आपका घर में खुद ही आ जाऊंगा और जितना देखना है मुझे देख लीजिए, और मुझे नहीं ये नया भारत को भी देख लीजिए जो ओवैसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है, ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूँ। 602 में 2 साल में बंद किया और 300 मदरसा एक साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है, तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे, कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज़्यादा लोग गए, और सबसे ज़्यादा कहाँ से गए? वेस्टर्न कंट्री से गए आईसिस को, आईसिस में ज्वाइन हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, ये सो कॉल्ड डेवलप्ड डेमोक्रेसी से गए। अब उसको फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूँ कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे हुए चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीजें। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।